काम आ रहा है, गोगा कहते हैं चारा काम आ रहा है। क्या ओ बांस की दाल के लड्डू। ओ उन्होंने कार्ड भेजा था। हाँ हाँ मेरे पास पड़ा है। दिखाओ ना। ये देखो ये बाजू। ये मुझे दे दो। तुम बोलो कि मेरा नाम लिखा हुआ है जुनैद सलीम। आज जड़ी आपां वीडियो देखने लगे हैं वो हैगी आ शादी में रोटी कम पड़ गई मौलाना फजलुर रहमान। मैं पहली बार इन्हों देखना बट मैं इन्हों जानता नहीं, तो आप देखना अजीजी एज मौलाना फजलुर रहमान देखते हैं। अजीजी दे हमेशा जिहड़े वीडियोज़ आ बहुत जबरदस्त होंदे आ। अजीजी तो मीन कि सुहेल अहमद साहब कॉमेडी दे लीजेंडरी आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी स्टेज ड्रामा दे हीरो सुपरस्टार ब्लॉकबस्टर हिट ऑल टाइम, तो उन्होंने बहुत सारे अपने लीजेंड मानते हैं। वीडियो शुरू करेंगे पर उस तो पहला अपने चैनल कर लो सबसक्राइब पंजाबी रील टीवी एंड मेक श्योर कि तुसी एक नाल तुहाडे उत्ते जॉइन बटन होएगा, जे तुसी वह जॉइन बटन दे क्लिक करोगे तुहानू उत्ते तीन टायर दिखणगे जिहदे विच तुसी तीनों टायर चो कोई भी एक जिहड़ा सिलैक्ट कर सकते हो ते अपनी सपोर्ट सानू दिखा सकते हो। एंड उत्थे आपां तुहाडियां रिक्वेस्टां भी पूरियां करांगे, ते जिद्दां ही तुसी कोई टायर सिलैक्ट करदे हो दैन तुसी मैनू उहदा स्क्रीनशॉट भेजो ईमेल ते जां इंस्टाग्राम ते, दैन आपां अगे जिहड़ा प्रोसीड करांगे तुहाडियां रिएक्शन रिक्वेस्टां जिहड़ियां पूरियां होणगियां। सो गल करदे हां वीडियो बारे सिद्धा शुरू करके आ जाओ। तमाम तर सियासत इस वक्त एक शख्सियत के गिर्द घूम रही है और वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना फजलुर रहमान है कौन? मौलाना फजलुर रहमान, अच्छा काफी फेमस लग रहे ने। ओके ओके ओके, अच्छा ठीक है। मौलाना को बाजवा ने चाय पे बुलाया एक साल पहला, क्या बात है। देखो लुक देखो कितनी घेंट लिया, कितनी जबरदस्त लिया। मतलब इन्हां दी एक मैनू एक खासियत बहुत पसंद है कि पूरे गैटअप दे विच ना पूरा अंदर चल जांदे आ, मतलब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। बड़े भाई आ जाते ही आते ही आपने भी तो आते ही मुझे छोटा कर दिया। क्यों अल्लाह ना करे, आपने तारुफ करवाया कि अपोजिशन की सियासत जिनके गिर्द घूमती है जी, हर दफा आप ये तारुफ करवाते हो कि पाकिस्तान की सियासत जिनके गर्द घूमती है वो मौलाना फजलुर रहमान। देखना आजकल पाकिस्तान की सियासत भी अपोजिशन के गिर्द ही घूम रही है, तो बात तो इन वन वे और द अदर सेम ही है ना। ये मुझे अंग्रेजी बोल के तो मुतासिर करने की कोशिश ना करो, सेकंड हैंड में स्ट्रेस। सेकंड हैंड में क्या हो गया? बात आपकी जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे, गुस्सा मुझ पे निकाल रहे। अल्लाह ताला के फजल व करम से हर शख्स जो है वो मेरी बात मानता है। अच्छा। और मैं अब 7684वीं दफा वाजे कर दूं कि अल्लाह के फजल से पीडीएम मुत्तहिद है और अल्लाह के फजल से हर लीडर जो है वो ये गाता फिरता है, एक बार जब के सातल एक है हो एक है, इसके साथ ऐसे ऐसे करते हैं। टिकट मिली कितने, मतलब खड़े खुड़े हुए अपोजिशन है उसमें सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा जीरक लीडर जो है मौला के फजल से मौलाना फजलुर रहमान है। और ये भी सारी जमातों के लीडर जानते हैं कि स्ट्रीट पावर भी अल्लाह के फजल से मौलाना फजलुर रहमान के पास है। मौलाना फजलुर रहमान के एक आकाशन के ऊपर सड़कों के ऊपर लाखों आदमी आ जाते हैं और ये अपोजिशन का वाहिद लीडर है जिसकी आवाज पे ऐसा एक्शन होता है, वरना आप सब जानते हैं नवाज शरीफ जब एयरपोर्ट आए थे तो कितने बंदे उनको लेकर, जबरदस्त ये जरदारी साहब आवाज लगाए तो कितना बंदा बाहर निकलता है। उतना की लोग बाहर निकलते हैं जितना बाहर गली में पटाखे की आवाज सुन के एक घर से निकलते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये चूंकि सीनियर साहब ही ये सब जानता है जी। और ये भी अच्छी तरह जानता है कि जब फजलुर रहमान कॉल देता है तो सड़कों के ऊपर दूर तक
लाखों की तादाद में सारी सर नजर आ रहे होते और हर तरफ जेजुआई के झंडे ही नजर आते हैं। ये दूसरी तमाम पार्टियों के झंडे उतने होते हैं जितने बाजारी समोसे में आलू होते हैं। देखिए मेरी बात सुने, गुस्सा ना कीजिएगा। ये कहा जाता है कि आपको जलसा हाईजैक करने की टेक्निक आती है, आप लोग झंडों की भरमार कर देते हैं। एक आपका कारकुन बैठा होता है, वो 10 फुट इधर और 10 फुट इधर झंडा लहरा रहा होता है, वो लगता है जेयूआई का जलसा है। और दही खाने वाले प्याले, देखिए पहले आप वो कर चुके हैं, पहले तो तुम जब भी मेरे खिलाफ बात करो। एक मिनट, ए मौलाना नहीं, ए पॉलिटिशियन है, जाए जुगतबाज है, मतलब कि कौन है शख्स यार? जुगत करूंगा मैं तो। मौलाना साहब पहली जुगत पे आपसे पूछने वाला था कि आपने पहले हाथी जिनेद साहब को कहा कि रसगुल्ले के भाई, रसगुल्ले का भाई गुलाब जामुन हो गए। गुलाब जामुन किस तरह भाई हो गए? गुलाब जामुन अफ्रीका का बाशिंदा है और रसगुल्ला यूरोप का बाशिंदा है। जबरदस्ती मेरा भाई बन रहा है, देख साहब भाईचारा ही काम आना चाहिए। आप कह रहे भाईचारा काम आना, गोगा कहते हैं चारा काम आना। जी मतलब क्या फरमा रहे थे आप, प्लीज आप कर लीजिए कॉमेडी कर दीजिए। इधर मुल्क की सियासत में गुफ्तगू हो रही है और आप लोग कॉमेडियन बने हुए राज दबा ना हो आपके शो। एक मिनट, फिर हम पूरी तरह एक सीरियस इंटरव्यू करते हैं, कोई लाफ्टर नहीं लेते। ठीक है बिल्कुल ठीक है, आप तो खुद सीरियस इंटरव्यू चाहते हैं। यार एक गल है सुहेल अहमद साहब, देखो वो किन्ने सीरियस रह के कॉमेडी कर रहे हैं, उन्होंने फेस से एक हल्की जी भी स्माइल नहीं दिख रही। ये जो शख्स ने इन्हों के फेस से, चलो ये होस्ट ने है ना, तो हसाते हुए आप हस पेंदे है, पर जो एक बंदा करैक्टर वड़िया हुआ ना सुहेल अहमद साहब, कमाल। रेत के तोड़े बात कुछ और हो रही है। नहीं जी, बात तो गुलाब जामुन की हो रही थी। भाई फंसा हुआ अभी तक। मुल्क के हालात इस वक्त संजीदगी के मुतकाजी है, खोया मारने वाले कड़ाए। देखो बात ये है कि पूरा पीडीएफ जो है वो अल्लाह ताला के फजल करम से एक झंडे के नीचे। अच्छा। और ये हम बता दें कि ये जितने लोग भी कयास आराइया कर रहे हैं और ये इस तरह की गलत फहमियां फैला रहे हैं कि ये आपस में पढ़ चुके हैं, ये मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये पीडीएफ का इत्तेहाद टूटना उतना ही मुमकिन है जितना कड़ाई के अंदर आप मछली फेंक के तो सोचे कि मछली तैरना शुरू हो जाए। आप सीख पर से चिड़ा उतार के तो उसे हवा में फेंके के ये उल्टा शुरू हो जाए। एक आध कोई गैर खुर्दनी मिसाल दे सकते हैं? जी मिसाल आदमी अपने मुशाहदे के हवाले से, जिसका जो मुशाहदा होता है वो उसमें से ही मिसालें निकालते हैं। अच्छा चले मौलाना, हम सीरियस होकर बात करते हैं। देखें आप कहते हैं कि पीडीएम में कोई इख्तलाफ नहीं है, आपका मौकफ ये है कि अगर धरना होगा, लॉन्ग मार्च होगा तो वो पिंडी की तरफ होगा, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी कह रहे हैं, बल्कि वो तो कह ही नहीं रहे लॉन्ग मार्च, वो कह रहे हैं कि धरना या लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ होगा। तो बताएं आप अल्टीमेटली आपका डिसीजन क्या होगा? इसमें भी अल्लाह के फजल से कोई गलत फहमी नहीं मौजूद, बात सीधी सीधी सी है। जब लाखों लोग इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे तो वो रावलपिंडी से होते हुए ही जाएंगे ना, कोई भाई एयर तो इस्लामाबाद फ्लाइट नहीं उतरेगी। और दूसरी बात ये है कि अगर इस्लामाबाद में भी जलसा होगा, को जितने कारकुन इकट्ठे होंगे, जलसा हमारा रावलपिंडी तक फैला होगा। किस दे रिगार्डिंग गल हो रही है, पता नहीं किस टाइम दी, किस सिचुएशन दी ये वीडियो है, कोई पॉलिटिकल जलसा जा की है जा कोई प्रोटेस्ट टाइप की सी गया है, कदों दी मैनू कमेंट करके जरूर दस्यो। इस्लामाबाद और रावलपिंडी एक ही बात है, क्योंकि इतनी दुनिया इकट्ठी होगी कि ये दोनों शहर जो है ये अल्लाह के फजल से भरे हो गए हमारे कारकुनों के साथ। फिर आप जो सहाफी हजरात है वो कवरेज करते हुए बेशक आप रावलपिंडी वाला जलसा कहे या इस्लामाबाद वाला जलसा कहे, बात तो दोनों की ठीक हो। अच्छा वाला फिर ऐसा मंजर हम देख सकते हैं कि एक ही जलसा एक ही वक्त में पिंडी और इस्लामाबाद तक हो रहा हो और आप पिंडी वाले पॉइंट पे खिताब कर रहे हो और इस्लामाबाद में मरियम नवाज खिताब कर रही हो?
और बाश की दाल के लड्डू। मौलाना देखिए मैंने आपको तो तुम हमारे जलसे के शुरका की गर्दन क्यों बरोड़ रहे हो? एक उधर अगर खताब कर रही है मरियम नवाज, इधर खताब कर रहा है फजलुर रहमान, तो हमारे कारकुन बेचारे ऐसे ऐसे करते रहे। ये हमारे कारकुन है, ये कबाबों वाला पक्का है। क्या हो गया आपको? मैंने तो वैसे तखय्युल की बात की थी, आपने गुस्से में आके मुझे डिग्रेड कर दिए इतनी बुरी तरह। आपने मुझे रसगुल्ले से माश की दाल वाला लड्डू बना दिया। ये देखो माशाल्लाह तुम्हारा एक जो एक्टर है वो बात को समझ गया। ये बाश की दाल का लड्डू इसलिए कहा है कि ये तुम लोगों को पता चले कि महंगाई इतनी हो गई है, खाने पीने की चीजें दालें इतनी महंगी हो गई है कि अब रसगुल्ले की कीमत पे मिल रही है। बिल्कुल। और इसलिए मैं समझता हूँ जिस तरह आवाम बेचारी पिस रही है इस महंगाई के हाथों, और जो जितना बुरा हालत हो चुकी है आवाम की, इस हुकूमत का जाला ठहर गया है। मुत्तहिद होकर सारी जमातों को कदम बढ़ाना चाहिए और इस हुकूमत को चलता करना चाहिए। बहुत अच्छा। अच्छा यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया? बिल्कुल बिल्कुल, जी का जाना ठहर गया। बेशक 2021 की सुबह को गया या 2028 की शाम को गया, ज्यादा है इसलिए मैं आपको बता दूं। अच्छा वाला देखें, आप अपोजिशन में इत्तहाद और रब्त की और प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, दावे करते हैं जी। देखने वाले देख रहे हैं कि बख्तावर की शादी में भी आपको जरदारी साहब ने मधु नहीं किया और आप शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहना यहाँ पे कहना इस तरह सुन ही नहीं सकते। ये सुन सकता है यहाँ पे वो मोटा कहेगा सीधे सोने नहीं सकते। खुले दिल के साथ अगर सोचा जाए ईमानदारी के साथ, तो इस वक्त COVID-19 का बहुत खतरा है। SOPs को मद्देनजर रखते हुए आसफ अली जरदारी साहब ने को 50-60 दे के पकवाई। अब मेरा ख्याल है कि वजह इसके कि ये सोना जाए कि फजलुर रहमान को नहीं बुलाया, ये सुनना बड़ा खतरनाक है कि रोटी काट गई। अल्लाह बहुत रहमत है। सीधी बात है, आप जैसा बंदा जो पाकिस्तानी सियासत का महवर मरकज है उसको नहीं बुलाया, और मुझ जैसे नाचीज छोटे से जर्नलिस्ट को जरदारी साहब ने बुलाया। मुबारक हो जी आपको। हाँ मेरे पास कार्ड है। नहीं तो उन्होंने कार्ड भेजा था। हाँ हाँ मेरे पास पड़ा है। देखो जी वाह जी वाह, ये मुझे दे दो। तुम बोल रहे हो मेरा नाम लिखा हुआ है जुनैद सलीम। सही है। लो यार लिखा हुआ। हाँ मेरी फैमिली बाबा हेलो यार लिखा। तो मैं तुम्हारे छोटे भाई के तौर पे नहीं जा सकता। अच्छा मौलाना साहब, ये शेख रशीद साहब बड़ा बड़बड़ के बातें करते हैं कि मौलाना साहब जब भी लॉन्ग मार्च के लिए आएंगे हम उनका इस्तकबाल करेंगे, ये कौन सा इस्तकबाल करना उन्होंने? शेख रशीद साहब का इस बात से क्या ताल्लुक है? अच्छा वो खामखा दुल्हन का अबू बन रहे हैं अब इस्तकबाल करेंगे। आपने किस बात का इस्तकबाल करना है? आप तो जो भी हुकूमत आ जाती है उसका इस्तकबाल खुद करते हैं। ये ऐसे लोगों का तो अपना कोई नजरिया ही नहीं होता, कोई दीनी बात नहीं होता, जिधर मर्जी चल निकलते हैं। इसलिए मैं शेख रशीद साहब की किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। अच्छा। अलबत्ता मैं इतना जरूर कहूंगा कि शेख रशीद जैसे बंदे मोहल्लों से पुरानी बोरियां इकट्ठी करके आगे बेचते हैं। यार इन्हां दा कॉमेडी दे नजरिए दे थ्रू एक जड़ा इन्हों का क्रिटिसिजम करन दा तरीका ना वो बड़ा काबिले तारीफ है। सुहेल अहमद साहब की एक्टिंग, इन्हों की डायलॉग डिलीवरी, इन्हों की टाइमिंग, इन्हों का ह्यूमर, इन्हों दी जुगतां, इन्हों का वे ऑफ प्रेजेंटेशन, एंड जिस तरीके नाल इह करैक्टर दे विच बिल्कुल एक एक डीपर कह लो कि छाल लगाउंदे है ते उहदे विच ही रहिंदे है, फिर उस तो बाहर नहीं आउंदे जिन्ना चिर पूरी वीडियो चल रही है। मज़ेदार, मतलब मैं एहो जे करैक्टर्स, एहो जे कॉमेडियंस
ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਦੇਖੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸਮਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨਾ ਹੱਸੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਸਬੇ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਟਅਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਐਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਦਿਖਾਏ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਢੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਫਾ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਲ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਪਸ ਰੱਖੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਬਰਗਰ ਆ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਸੇਬ ਰੱਖੇ ਆ, ਐਪਲ ਸਿਲਵਰ ਐਪਲ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟ ਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਟਾਈਪ ਬੁੱਕਸ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਲਾਅ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਮੇਡੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਮੇਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੇਟ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਓਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਮੇਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਡੀਪਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਡਰਾਮਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਉ, 9 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰਨਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਸੋ ਡੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾਓ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, 1 ਕਿ 2, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਚੈਨਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਡੇਲੀ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, 1 ਜਾਂ 2 ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।